जय हिंद दोस्तों, पार्ट टू में हम बात करने वाले हैं रिमेनिंग 9 प्रिंसिपल की। तो चलिए दोस्तों, प्रिंसिपल नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। दोस्तों, सबॉर्डिनेशन मींस लेस इंपॉर्टेंस, इंडिविजुअल मींस सिंगल, एंड इंटरेस्ट का मतलब प्रॉफिट। दोस्तों, इसका यह मतलब हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अपने प्रॉफिट के बारे में न सोचकर ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, हमारा मैनेजर जो भी डिसीजन ले उससे सभी एम्प्लॉय को प्रॉफिट होना चाहिए, न कि किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय को जो उसका क्लोज है। दोस्तों, एक और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मैनेजर के पास कोई ऐसा ऑफर आता है जिससे उसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है और ऑर्गेनाइजेशन को लेस प्रॉफिट, दोस्तों इस सिचुएशन में मैनेजर को अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट के बारे में न सोचकर ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। दोस्तों, इन चारों डिपार्टमेंट के पावर को अगर किसी एक मैनेजर को दे दी जाए तो इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, जिसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना। दोस्तों, चाइना में वहां की पूरी पावर वहां के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के पास है। ऑन दी अदर हैंड, अगर इन चारों डिपार्टमेंट की पावर एक मैनेजर को न देकर चार अलग अलग मैनेजर को दे दी जाए तो इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, जिसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। दोस्तों, इंडिया में कुछ पावर पीएम मोदी के हाथ में होते हैं तो कुछ पावर अलग अलग सीएम्स के हाथ में होते हैं। दोस्तों, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल लेवल पर है तो सेंट्रलाइजेशन बेस्ट होती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है तो पावर को डिसेंट्रलाइज कर देना बेस्ट होता है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मींस सैलरी और वेजेस पेड टू द एम्प्लॉई। दोस्तों, जिस तरह कस्टमर मार्केट का किंग होता है, ठीक उसी तरह एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के असेट्स होते हैं। दोस्तों, अगर हम इन्हें प्रॉपर वेजेस और सैलरी पे करते रहे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट बढ़ जाएगी। दोस्तों, आपने देखा होगा अंबानी और रतन टाटा जैसे बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए न केवल उन्हें प्रॉपर सैलरी देते हैं बल्कि कभी फॉरेन ट्रिप तो कभी होटल में लंच और डिनर कराते हैं, जिससे दोस्तों उनके एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस टॉप लेवल का होता है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है स्केलर चैन। दोस्तों, आप सभी ने मुन्ना भाई का वो वाला डायलॉग तो सुना ही होगा जिसमें वो कहते हैं कि अगर कोई मर रहा है तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या। दोस्तों, ये प्रिंसिपल भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, स्केलर चेन का मतलब होता है लाइन ऑफ अथॉरिटी। अगर कोई इंफॉर्मेशन ए के पास है तो सबसे पहले वो बी को पास करेगा, फिर बी सी को पास करेगा और सी डी को पास करेगा। दोस्तों, इसका यह एडवांटेज होता है कि डिटेल्स सभी लोगों के पास होती है, बट दोस्तों इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि यह बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट दोस्तों, इमरजेंसी सिचुएशन में अगर डी के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो वो जी तक पास करना चाहता है, दोस्तों इस सिचुएशन में डी को स्केलर चैन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट जी से कॉन्टेक्ट कर सकता है। दोस्तों, इस प्रोसेस को कहते हैं गैंग प्लैंक, बट दोस्तों इसके लिए डी को प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है ऑर्डर। दोस्तों, जनरली ऑर्डर का मतलब होता है कमांड, बट दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हमें यह सजेस्ट करता है इट्स अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। दोस्तों, अगर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स जैसे कि एम्प्लॉई और मटेरियल रिसोर्स को राइट प्लेस पे राइट टाइम पे अवेलेबल कर दिया जाए तो दोस्तों हमारा बिजनेस स्मूथली चलेगा। इसके साथ साथ हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। दोस्तों, राइट पर्सन एट राइट टाइम का बेस्ट एग्जाम्पल है सोनू सूद, जिन्होंने अपने दम पर न जाने कितने मजदूरों को गांव तक पहुंचाया। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है दोस्तों इक्विटी। इक्विटी मींस दोस्तों इक्वल ट्रीटमेंट। दोस्तों, मैनेजर जब एम्प्लॉय को वर्क,
अथॉरिटी सैलरी डिवाइड करते हैं तो दोस्तों उन्हें एम्प्लॉय के साथ किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोस्तों फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वरुण धवन काम करता है और सेल्स डिपार्टमेंट में आलिया भट्ट, दोस्तों दोनों सुपरवाइजर लेवल पे काम करते हैं। ऐसे सिचुएशन में दोस्तों मैनेजर को दोनों को सेम सैलरी देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। दोस्तों स्टेबिलिटी मींस नो चेंज एंड टेन्योर मींस टाइम। इसका ये मतलब हुआ हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम चेंज और ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। दोस्तों इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर बैड इफेक्ट होगा। ऑन दी अदर हैंड दोस्तों अगर हम उन्हें जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट होगा जिससे वो फुल डेडिकेशन और एफिशिएंसी के साथ जॉब करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मींस फ्रीडम इन वर्किंग। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने एम्प्लॉय को फ्रीडम देनी चाहिए जिससे वो किसी भी टास्क को अपने इनोवेटिव आइडिया से पूरा कर सके। दोस्तों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का सक्सेस होने का यही रीजन है क्योंकि डॉक्टर होमी बाबा अपने एम्प्लॉय को हमेशा इनिशिएटिव लेने के लिए इनकरेज किया करते थे। लास्ट प्रिंसिपल है स्पिरिट दे कॉप्स। दोस्तों ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है टीम वर्क। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ। दोस्तों मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय काम करते हैं। अगर ये सभी एम्प्लॉय एक यूनियन में काम करें तो दोस्तों इनमें एक म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट होता है जिससे ये किसी भी डिफिकल्टी को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मैनेजर्स को हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए कि उनके एम्प्लॉय में टीम स्पिरिट की फीलिंग हमेशा बनी रहे। आप लोगों ने लगान मूवी तो देखी ही होगी जिसमें ये लाखा अपने ही टीम के अपोजिट खेलता है बट दोस्तों एज अ टीम का कैप्टन आमिर खान उससे मना लेता है। दोस्तों लीडर की यही बेस्ट क्वालिटी होती है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।